हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं GN मेडिकल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टोमा फिट सिरप। आज हम इस सिरप के बारे में बात करेंगे कि इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए या आप इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज़ यानी खुराक कितनी लेना चाहिए और आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, यानी आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किस तरह के पेशेंट को ये ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टोमा फिट सिरप की जानकारी सभी को हासिल हो सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस सिरप के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, ये स्टोमा फिट सिरप है, ये एक एंटासिड लिक्विड है दोस्तों। तो ये एक ऐसी दवा होती है, एंटासिड का मतलब होता है ऐसी दवा जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, यानी ठीक करे, या एसिडिटी को ठीक करे, जड़ से ठीक करे बिल्कुल। तो आप इसका एसिडिटी में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या एसिडिटी ज़्यादा बनती है, यानी जलन ज़्यादा रहती है पेट में, या हार्टबर्न होती है यानी सीने पर जलन होती है, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट है एसिडिटी में। इसके अलावा बिस्मत एंड वेलाडोना को रखा गया है। तो दोस्तों, बिस्मत का भी इस्तेमाल एसिडिटी में ही किया जाता है या हार्टबर्न में किया जाता है, हार्टबर्न जो सीने पर जलन सी होने लगती है ज़्यादा एसिडिटी बनने के कारण, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है तो एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है और उसकी वजह से हार्टबर्न यानी सीने पर जलन होने लगती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टोमक अगर अपसेट रहता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपसेट स्टोमक को भी ये बहुत जल्द से जल्द ठीक करता है। इसके अलावा ये दोस्तों एक एंटी गैस सीरप भी है, यानी अगर आपको गैस बनती है, कई सारे लोगों को इंडाइजेशन की वजह से गैस बनती है, कई सारे लोगों को डाइजेशन तो ठीक रहता है लेकिन गैस ज़्यादा बनती है साथ साथ, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटी गैस सिरप भी है, यानी गैस को ठीक करेगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि ब्लोटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे लोगों को पेट में क्या होता है, इंडाइजेशन की वजह से, यानी खाना जब हजम नहीं होता है ठीक से, तो ब्लोटिंग होने लगती है, यानी मरोड़ सी पड़ने लगती है जिसकी वजह से पेट में दर्द भी होने लगता है, तो उसमें भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोटिंग में भी इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। और दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इंडाइजेशन की वजह से कई सारे लोगों को गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो जाहिर सी बात है जब इंडाइजेशन है यानी डाइजेशन ठीक नहीं रह रहा है तो कॉन्स्टिपेशन तो ज़रूर रहेगा, आपका पेट भारी भारी रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कब्ज़ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर्स में आप इसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, कई सारे लोगों को अल्सर बन जाते हैं, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं या माउथ में भी अल्सर हो जाते हैं, हालांकि स्टोमक अल्सर में इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। इंडाइजेशन की वजह से या जब गैस ज़्यादा बनती है, तेज़ाब बनने लगता है पेट में, यानी एसिडिटी होने लगती है, मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं स्टोमक में, पेट में अल्सर बन जाते हैं, तो उन अल्सर को भी ये बहुत जल्द से जल्द ठीक करता है। अल्सर में इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की सभी डिजीज़ में जो मैंने अभी आपको बताई। ये दोस्तों इसके फ़ायदे हो गए कि किस किस तरह की बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ यानी खुराक कितनी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं एडल्ट्स की डोज़ बता रहा हूँ। इसको अगर इस तरह की एडल्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया, तो 10-10 ml सुबह शाम खाने के 10 मिनट बाद इस्तेमाल करें, बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। ये सभी तरह की डिजीज़ आपकी बहुत जल्द से जल्द ठीक होंगी अगर आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। 10-10 ml यानी जो सिरप पे ढक्कन लगा हुआ होता है, उस ढक्कन को दो ढक्कन सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि किस तरह के पेशेंट को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ रहती है यानी आप शुगर के पेशेंट हैं, तो इसका बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें, आपको परेशानी हो सकती है और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें, पहले हमसे मशवरा लें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, तब इसका इस्तेमाल करें कि इसको लेने के बाद या इस्तेमाल करते समय आपको नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नोज़िया हो सकता है। नोज़िया मतलब, मैं बताता हूँ हर वीडियो में, कि एक फीलिंग सी आती है, वॉमिटिंग होने वाली है, या कई तरह के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग हो भी जाती है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
आप इसको बिना साइड इफ़ेक्ट के बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और तो दोस्तों बिना नुकसान के आप इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा ले सकते हैं, बिना नुकसान के सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा ले सकते हैं, आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें। ये दोस्तों इस सिरप के बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़।